शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बबुआ नाम है हमारा। नाम हम सुन चुके, काम हम देख चुके, अब करने क्या आया है भैये? इंसाफ। इंसाफ? हाँ, हम शहंशाह जहांगीर तो नहीं, लेकिन हमारा इंसाफ उससे कम भी नहीं होता विक्रम सिंह। बहुत अच्छे शहजादे, बहुत अच्छे। लगता है तूने अपना हाथ किसी जोशी को नहीं बताया, वरना विक्रम सिंह की हवेली की तरफ आने की जुर्रत नहीं करते। हम हाथ की लकीरों से ज्यादा अपने हाथ की ताकत पर भरोसा रखते हैं विक्रम सिंह। राम रतन की बिटिया ने स्वर्ग से हमारे इंसाफ को पुकारा है और हम यहां फैसला करने आए हैं। फैसला? और विक्रम सिंह से? शायद तुझे पता नहीं भैये, कलियों को फूल बनाना हम ठाकुरों का पुश्तैनी शौक है। तेरी कोई बहन? लगता है तूने अपनी मौत का मुंह नहीं उजागर। शेर अपना शिकार खुद मारकर खाता है। इस लायक बना दो कि आइंदा किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटने के काबिल ना रहे। यह है उजागर सिंह, गैंडे किसी ताकत वाला आदि मुजरिम और कातिल। यह है वकालत की दुनिया में सबसे ज्यादा फितरती और शातिर दिमाग देवीलाल, संगठन का परमानेंट वकील।
और इनसे मिलिए मिस्टर सराफ, कहने को 5-स्टार होटल का मालिक लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात की स्मगलिंग का सरगना। और यह है मिस्टर पीसी, अपने शहर के हर जुए खाने, शराब खाने, चंडू खाने से अपने हिस्से की बोटियां नोचने वाला। और यह है शेषनाग, वैसे तो कपड़े की मेल और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है लेकिन अपने नाम की तरह ही जहरीला। और इसके बॉडीगार्ड के तौर पर यह गूंगा, जो मुंह से तो नहीं बोल सकता लेकिन अपने हाथों से दुनिया की हर भाषा बोलता है। ये छोटे बड़े नदी नाले जिस समंदर में जाकर मिलते हैं उसका नाम है दादू। असली नाम दयाशंकर है, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। ऐलानिया कहता है कि सट्टे बाजार में चलने वाले सिक्कों को कोई भी चश्मा लगाकर देखो, उसमें इसी की तस्वीर दिखेगी। हर मुजरिम और जुर्म का सिरा इसकी चौकट तक तो पहुंचता है मगर उसके बाद ना जाने कहां गुम हो जाता है। लेकिन अब ये संध्या का सूरज है और इस ऑर्गेनाइजेशन का उभरता सूरज है। इसका पोता बजरंग हाथी की ताकत, लोमड़ी की चालाकी और चीते जैसी फुर्ती का मालिक है। दादू की जगह संभालने के लिए इसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। यह ऑर्गेनाइजेशन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि हम 10 साल के बाद भी किसी की गर्दन पे हाथ नहीं डाल सके। लिहाजा दिल्ली से एक CBI ऑफिसर तैनात किया गया है जो बहुत जल्द हमारी मदद के लिए यहाँ आने वाला है। और उसने हमें खबर दी है कि कैलाश, जो रेसिस का जॉकी है और इन लोगों के लिए रेसिस में हेरा फेरी करता है, अब इनसे टूट कर अपनी महबूबा के साथ हिंदुस्तान से बाहर जाने की कोशिश में है। जेंटलमैन, अगर हम इस आदमी को काबू में लाकर सरकारी गवाह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो दादू के फौलादी किले में हम बारूद बिछा सकते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, कैलाश। अनीता, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मगर हम जा कहाँ हैं कैलाश? यहाँ से कराची और वहाँ से कैसे? लॉन्च तैयार है वो सामने। मगर कैलाश, अपने देश से दूर जाकर हम खाएंगे क्या? इस बैग में 2 करोड़ रुपए हैं, काफी है जिंदगी भर के लिए। बजरंग, तुम? यह किसी रेस के घोड़े की लगाम नहीं है कैलाश, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रुपए हैं। बबुआ के होते हुए कोई नाखून की मैल भी चुरा कर ले जाए ये मुमकिन नहीं। हमसे भूल हो गई। ये भूल नहीं, गद्दारी है कैलाश, और गद्दारी की सजा है मौत। नहीं नहीं बजरंग, प्लीज हमें जाने दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बजरंग, प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम्हारी मौत हूं कैलाश, अगर जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मौत को मारना होगा। अगर मुझे हटा कर जा सकते हो तो जाओ। सोचते क्या हो कैलाश, उठाओ रिवॉल्वर और चला गोली। उठाओ रिवॉल्वर कैलाश, उठा रिवॉल्वर। चला गोली। कैलाश, कैलाश। किसी औरत पर हाथ उठाना बजरंग के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी आंखों ने ना कुछ देखा है ना तुम्हारे कानों ने कुछ सुना है, यूं समझ लो आज की रात तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं। याद रखना, आज एक औरत के खून का पाप भी मजबूरन अपने सर लेना पड़ा। बैग उठा लो।
लाशों को ठिकाने लगा दो।